नमस्कार, मैं ऋचा जैन आप सभी बच्चों का आपकी कथक डांस क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं हमारी कथक डांस क्लास। और जैसा कि हर बार हम लोग अपनी क्लास से पहले, नृत्य करने से पहले हम लोग करते हैं भूमि प्रणाम, तो आज भी भूमि प्रणाम से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे भूमि प्रणाम से। सब लोगों का हाथ लेफ्ट की तरफ, इस तरह से आपका लेफ्ट, और इस तरह से मैंने अपना प्रणाम, नीचे मैं बैठी और फिर उठी, उठकर इस तरह से मैंने करा और धा। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो शुरू करते हैं आज भी तत्कार से। जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं ताथई थई तत, आथई थई तत की तत्कार, और उसे फिनिश करते हैं तिहाई से, तो आज भी हम लोग तत्कार से शुरू करेंगे जो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट की तत्कार होती है। ठीक है, तो चलिए हाथ कहाँ रखते हैं, इस तरह से आपका लेफ्ट आर्म इधर और उसके ऊपर अपना राइट आर्म प्लेस्ड। चलिए शुरू करते हैं तत्कार से। 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई, त त आ, थई थई, त त ता, थई थई, त त आ, थई थई, त त राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, अगेन राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। एक और बार, ता थई थई, त त आ, थई थई, त त ता, थई थई, त त आ, थई थई, डबल चले, ता थई थई, त त आ, थई थई, त त ता, थई थई, त त आ, थई थई, त ता थई थई, त त आ, थई थई, त त ता, थई थई, त त आ, थई थई, त। इसी पे रहेंगे। शाबाश, मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। एक और बार, आ थई थई, तत ता थई थई, तत आ थई, तत ता थई थई, तत आ थई थई, तत ता थई थई, तत। इसका डबल चलिए, ता थई थई, तर आ थई थई, तत ता थई थई, तर आ थई थई, तत ता थई थई, तर आ थई थई, तत। शाबाश। वेरी नाइस। तिहाई कैसे थी, ताथे थई तर आथे थई तर थई, ता थई ताथे थई तर आथे थई तर थई, ता थई ताथे थई तर आथे थई तर थई, ता थई, क्लैप, ताथे थई तर आथे थई तर थई, ता थई ताथे थई तर आथे थई तर थई, ता थई ताथे थई तर थई, ता थई ताथे थई तर आथे थई तर थई, ता थई ताथे थई तर आथे थई तर थई, ता थई ताथे थई तर आथे थई तर थई, ता थई। ओके, तो ये हमारी हुई वार्मिंग अप, जिससे हम लोग तत्कार कहते हैं। तो तत्कार इज बेसिकली फॉर वार्मिंग अप। आप लोग जब स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं तो एक राउंड पूरा लगाते हैं ना ग्राउंड का, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स खेलते हैं। उसी तरह से हमारे कथक में, प्रैक्टिस सेशंस में, हमेशा पहले तत्कार से शुरू करते हैं, फिर प्रैक्टिस होती है चक्करों की, और उसके बाद जो भी हमारे कथक की रेपर्टुआर है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये वार्मिंग अप हो गई हमारी। ऑलराइट, तो चलिए अब हमारी नेक्स्ट चीज जो आज हम सीखने वाले हैं,
बच्चों आज मैं आज आपको एक नया तोड़ा सिखा रही हूँ। अब जैसे आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताया तो था कि तोड़ा क्या होता है, हर चीज में जैसे हर जगह की एक भाषा होती है, वैसे ही नृत्य की भी एक भाषा है, ठीक है? तो उन नृत्य की भाषाओं में हम चंद शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द तबले के भी हो सकते हैं, नृत्य के भी हो सकते हैं, पखावज के भी हो सकते हैं, झांझ मंजीरे इन सब के शब्द हो सकते हैं, पर मुख्य तौर पर तबले, पखावज और नृत्य के बोल ये इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे कथक में। ओके, तो जब हम इन्हीं बोलों को हमारा 16 बीट, जो 3 ताल का हमारा पैटर्न है ना, 16 बीट की हमारी रिदम पैटर्न है, तो इन्हीं 16 मात्राओं में जब हम इन्हीं शब्दों को बांध देते हैं और सम पर आते हैं, तो वो हो जाते हैं तोड़े। मतलब या तबले के बोल होंगे या फिर नृत्य के बोल होंगे। अगर पखावज के बोल हुए तो वो कहलाता है परन। तो तोड़े में तबले और नृत्य के बोल ये अक्सर सम्मिलित रहते हैं, और जब जैसे मैंने बताया 16 बीट पैटर्न में जब इसे बांध दिया जाता है और सम पे आते हैं, तब ये बन जाता है हमारा तोड़ा। जब ये तोड़ा बड़ा होता है, इसमें से अगर मैं एक छोटा सा पीस निकालती हूँ तो वो हो जाता है टुकड़ा, ठीक है? तो तबला, सॉरी, तोड़ा और टुकड़ा, आप समझ पा रहे हैं बच्चों? तो आज हम शुरू कर रहे हैं, मैंने आपको बहुत सारे, पहले भी मैंने आपको तोड़े और इनके बारे में बताया था, बट अब क्या करेंगे, हम अपना सेकंड तोड़ा सीख रहे हैं। आशा है आपको फर्स्ट वाला याद होगा। तो आज जो मैं तोड़ा आपके सामने रख रही हूँ और आपको सिखाऊंगी, वो है तत् तत् थई, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि तत् तत् थई। अच्छा, अब हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया है कि हम लोग अपने हाथ इस तरह से रखते हैं, सब लोग अपने हैंड्स को इस तरह से बनाएंगे, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है उसे हमने अपने थंब के साथ जोड़ दिया इस तरह से, और ये हाथ हम इधर रखते हैं, ठीक है? इस तरह, बहुत ऊंचा भी नहीं है, बहुत नीचा भी नहीं है, और ऐसे इधर भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, इधर की तरफ रखो, ऑलमोस्ट शोल्डर लेवल पे, आपका जहाँ कंधा है ना उसी लेवल पे रखेंगे, ठीक है? तो इधर आया। अब तत् तत् कैसे करते थे, यहाँ से जब भी हाथ जाएगा बाहर तो ये फिंगर खुल जाएगी, और जब वापस इधर ही पोजिशन में आते हैं तो ये वापस इधर ही आ जाता है, ठीक है? तो तत् तत् थई कैसे करेंगे, हम करेंगे तत् राइट पैर, फिर तत् लेफ्ट पैर। समझ में आ गया सबको? तत् तत् सबको सबको समझ में आया? सो कैसे किया हमने, किया तत् और तत्, और इसको वापस लाएंगे और फिर लगाएंगे थई। थई का हाथ कहाँ गया, इधर, ठीक है? और ये वापस जब मैं आऊंगी ना थई, तब आएगा पैर, मैं तब मारूंगी जब मेरा हाथ वापस आ गया है। जैसे हमने किया तत् तत् और थई, जब ये हाथ लौट कर आया तब मैंने थई मारा पैर से, तो पैर क्या हुए, राइट लेफ्ट राइट, ठीक है? इजी करके देखें सब लोग, सब बच्चे, चलिए खड़े होकर करेंगे सब लोग, करें ट्राई, कैसे किया, 1 2 3 स्टार्ट, तत तत थई, आया इजी, नो प्रॉब्लम्स, कैन वी डू इट अगेन, चलो कैसे किया, 1 2 3 एंड स्टार्ट, गो तत तत एंड थई, ठीक है? अब इसके बाद जाएंगे दिग धा दिग थई। तो चक्कर तो मेरे ख्याल से सबको घूमना आता है ना, कैसे घूमते थे, 5 पैर का चक्कर, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, चक्कर के टाइम पैर क्या है, दाया बाया दाया बाया दाया, तो 1 2 3 4 5, और चक्कर किस तरह से घूमते थे हम लोग, लेफ्ट की तरफ से, तो हाथ कैसे जाएगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है? दोबारा करते, 1 2 3 स्टार्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो कैसे गया, तिगधा दिग थे, कैसे गया? अब इसी 5 नंबर को शब्द डालेंगे, सो तिग धा दिग दिग थई,
धा दिग दिग थई। तो चले चक्कर घूमे, कैसे घूमा हमने, ये तिग धा दिग दिग थई। आया समझ में बच्चों? यस एवरीवन। सो इसको कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन में कैसे गया, तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई। आया समझ में? अब इस पूरी चीज को करेंगे 3 बार। तो अब क्या इसका पैटर्न कैसे बना, तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई ई तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई ई तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई। आया समझ में? तो यही चीज हमने करी 3 बार। अब इसे कंटिन्यूअसली 3 बार करते हैं मैम के साथ। ऑल राइट, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई, तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई, ई तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई। ठीक है, सबको समझ में आया? इजी तो है ना? चलिए ऑल राइट, अब आप मुझे करके दिखाएंगे सब लोग। हम यहां से आपके लिए पढ़ंत करेंगे। पढ़ंत का मतलब रिसाइट करेंगे, बोलेंगे और आप लोग हमको करके दिखाना। ठीक है, तो चलिए करते एक बार मैम के साथ। 1 2 3 स्टार्ट। तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई, ई तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई, ई तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई। शाबाश, वेरी नाइस, गुड। अब इसके बाद क्या करना है, 3 बार चक्कर काटने हैं। तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई। ठीक है, तो एक बार मैम के साथ चक्कर काटेंगे, फिर आप मुझे करके दिखाना और उसके बाद हम सब मिलकर पूरा का पूरा तोड़ा करेंगे। ऑल राइट, तो अभी पहले करेंगे 3 चक्कर मैम के साथ। 1 2 3 स्टार्ट। तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई। थई में मैंने कैसे किया, पैर मारा और अपना टो इधर करा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी खत्म करेंगे बच्चों, इस तरह से भी खत्म हो सकता है और इस तरह से भी खत्म हो सकता है। ठीक है, तो अब आप मुझे 3 चक्कर लगातार काट के दिखाओगे। ऑल राइट, 3 चक्कर अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन करके करेंगे। ठीक है, ताकि हम इधर या उधर ना गिरे, तो बॉडी बैलेंस एकदम सीधा रखेंगे, बॉडी को सीधा स्ट्रेट रख के घूमेंगे। ठीक है, टिल्ट करोगे ना बॉडी तो गिर जाओगे, तो बॉडी जो है हम अपनी बॉडी सीधी रखते हैं चक्कर काटते टाइम। जब आप चक्कर करोगे ना, ऐसे काटूंगी ना तो मैं गिर जाऊंगी, तो बॉडी कैसे रखेगी, सीधी एकदम स्ट्रेट बॉडी। तो तिग धा दिग दिग थई सीधी आऊंगी मैं, समझ आ गया? तो चलो अब हम करेंगे 3 चक्कर करके दिखाएंगे। चलो 1 2 3 स्टार्ट। तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई, तिग धा दिग दिग थई। वेरी गुड। थई में लास्ट में कैसे खत्म करना है, ऐसे। तो ये हमारा जो लेफ्ट हाथ है वो इधर ही रह जाएगा और राइट हाथ खुलकर इधर आ जाएगा। और एक और बात का ध्यान रखेंगे, जो लेफ्ट आर्म है ये ऐसे ना आए, ये पीछे रहेगा, सो दैट मेरी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक आए। ऐसे करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बॉडी स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, हल्का सा डायगोनल, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। ठीक है, इस तरह। ऑल राइट, तो अब हम सब लोग करते हैं पूरा का पूरा तोड़ा सब लोग मिलके। ठीक है, करें इसको। 1 2 3 स्टार्ट। तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई, तत तत थई ई
तिग धा दिग दिग थई तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई तीन चक्कर तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई यस सिंपल। तो अब आप मुझे पूरा तोड़ा करके दिखाएंगे अपने आप। ऑल राइट चलो यस तो चलिए करते हैं ये तोड़ा। मैं आपके लिए पढ़ंत करूंगी बच्चों। 1 2 3 स्टार्ट। तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई ई तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई ई तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई तिग धा दिग दिग थई। आया सब बच्चों को? यस ऑल राइट नो वरीज। सो अब हम लास्ट टाइम हम लोग सब लोग इसे एक बार फिर से करते हैं और फिर चलते हैं हमारे गत भाव पे जो मुझे आज आपको सिखाना है, पहले सिखाया है बट उसको कंटिन्यू करेंगे। ऑल राइट चिल्ड्रन चलो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई ई तत तत थई ई तिग धा दिग दिग थई ई तत तत थई तिग धा दिग दिग 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 थई। ओके तो सब लोगों को आया ये अच्छे से? राइट तो अब चलते हैं हमारी दूसरी क्लास का दूसरा पार्ट पे। आपको शायद याद होगा बच्चों मैंने आपको गत भाव सिखाया था, छोटा सा पार्ट सिखाया था उसका। अच्छा तो गत और भाव दो शब्द आते हैं। गत का मतलब क्या होता है? गत शब्द निकला है गति से जिसका मतलब होता है स्पीड। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि गत शब्द निकला गतका से, मतलब पंजाब में एक फोक डांस है जो गतका कहलाता है और उसमें इसी तरह के तकरीबन टर्न्स लिए जाते हैं। तो गत शब्द निकला वहां से। और भाव दूसरा पार्ट है भाव। अब भाव का मतलब क्या होता है कौन बताएगा मुझे? मैं आपकी मदद करूं? ओके तो भाव का मतलब होता है भावना, मतलब अपनी फीलिंग्स और उनको बताना। कैसे? शब्दों से नहीं पर एक्शंस, मुद्राओं से या अपने डांस के हैंड जेस्चर्स से या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस से। ठीक है तो आप जब अपने मन की बात को या किसी भी स्टोरी को अपने हैंड मूवमेंट्स और फीट और बॉडी के थ्रू और अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू जब आप उसे बता रहे होते हैं तो उसे भाव कहते हैं। तो इसमें जैसा कि अब स्पष्ट हो गया गत और भाव। तो गति जैसे मैंने बताया गति से निकला शब्द, इसलिए इसे थोड़ी स्पीड में किया जाता है और इसमें कोई ना कोई भाव अभिव्यक्ति होती है, मतलब किसी भी भावना की एक एक्सप्रेशन होती है। तो ये हम ले सकते हैं जब भी हमें कथक में कोई कथा या स्टोरी बतानी होती है तो गत भाव का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को शुरू कराया था, अभी हम उसको रिवाइज करते जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में, जब मतलब पुराने जमाने में मतलब कृष्ण जी के टाइम में, बहुत बहुत साल पहले की बात हो गई है ना, तो उस टाइम में जो घर होते थे उनमें घर में तो नलका और पानी नहीं आता था तो गर्ल्स क्या कहाँ जाते थे कौन बताएगा? वेरी गुड, तालाब या नदी पर या कुएं पर, करेक्ट, पानी भरने जाते थे। और जो कृष्ण जी होते थे ना, हम लोग ये अभी दिखाएंगे कि जो गर्ल्स है ना वो सारी नदी पर पानी भरने जा रही हैं और वहीं पर वो थोड़ा सा अपना स्नान भी कर रहे हैं और वहीं पर पानी का मटका भर के वो घर लेकर आ रहे हैं। और क्या हो रहा है कि रस्ते में, अब कृष्ण जी तो आप सबको पता है बहुत नोटी थे, तो वो क्या करते थे, वो लड़कियां बेचारी इतनी मेहनत से उठा उठा के बड़ा बड़ा घड़ा लेकर आती थी
और वो क्या करते थे कृष्ण जी, चोरी से उनको चुपके से देखते थे कि ये आ गई हैं, अपनी बांसुरी अंदर रखते थे और कंकर उठाकर क्या करते थे, कंकर उठाकर उनकी गगरी फोड़ देते थे और वो बेचारी चलती हुई जाती थी, उनकी गगरी पूरी फूट जाती थी। और फिर वो क्या करती थी, उनको बहुत गुस्सा चढ़ता था, कृष्ण जी के कान भी मरोड़ती थी। ठीक है ऑलराइट तो अब ये छोटी सी स्टोरी हम लोग करने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले सीखेंगे गत के पैर। जैसे मैंने बताया आपको गत, तो हम पहले टर्न्स सीखेंगे और उसके बाद भाव लगेंगे लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों गत के पैर में क्या जाता है, पहले मैं आपको बताती हूँ। ये गति गति मतलब स्पीड में किया जाएगा। ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 तत्। ओके, तो कैसे जाएगा ये आपका पैर, कैसे जाएगा, जाएगा राइट। ओके एवरीवन टेक आउट योर राइट फुट, राइट से शुरू करेंगे, राइट इस तरह से राइट फुट है। ठीक है, तत ता थई थई तत आ थई थई तत। आ रहा है समझ में, कैसे गया, राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आया समझ में, सो राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आ गया सबको समझ में, पैर कैसे जा रहा है, राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ठीक है, अब हाथ कैसे जाएगा, मेरा लेफ्ट हाथ इधर ही प्लेस्ड है। ठीक है, और राइट हाथ मतलब दायां हाथ मेरी कमर के पास इस तरह से जाएगा। ऑल राइट right? और उसके बाद मैं अपना हाथ निकालूंगी इस तरह से, तो मेरा हाथ यहां पर है, बाहर से नहीं जाएगा, मेरा हाथ अंदर से जाएगा, ये इस तरह से टर्न करेगा। सिमिलरली दूसरी तरफ मेरा हाथ इधर वापस कमर के पास गया और ये अंदर से निकल के बाहर आया। इज इट क्लियर चिल्ड्रेन? तो ये जो घुमाव है हाथ का अंदर से निकलने के बाद, ये मैं हाथ और अपनी बॉडी दोनों को साथ में घुमाती जाऊंगी। तो ये क्या आया, ये आया राइट राइट लेफ्ट राइट, उसके बाद लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अंडरस्टूड? तो हाथ के साथ दोबारा से एक बार करेंगे बच्चों, कैसे गया, राइट राइट लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। आया समझ में? ओके तो ये हमने लिया गत, और इसे बोला जाता है पलटा, मतलब मैं जैसे पलट रही हूं ना। ओके तो अभी मैंने जो लिया इसे बोलते हैं पलटा, और पलटे के बाद हम अपनी कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिखाएंगे एक गर्ल को। ठीक है, अच्छा गर्ल को कैसे दिखाते हैं, अब कृष्ण जी के टाइम पर जो गर्ल्स होते थे वो सूट तो नहीं पहनते थे, जीन्स भी नहीं पहनते थे, या तो साड़ी पहनते थे या लहंगा पहनते थे, लहंगा चोली और दुपट्टा। करेक्ट, जीन्स पैंट तो नहीं पहनते थे ना। तो उस जमाने की गर्ल्स को हम अक्सर दिखाते हैं एक घूंघट से। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो घूंघट दिखाने के लिए मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर ऐसे करी और सेकंड फिंगर को बेंड कर दिया। ठीक है, और घूंघट के लिए मैंने क्या किया,
मैंने पहले अपना घूंघट, इसका मतलब है मैंने ऐसे करके दुपट्टा अपने सर पे ओढ़ा हुआ है, और कैसे किया, मैंने ऐसे करके घूंघट को अपनी ओर खींचा। उसके बाद दूसरे हाथ से उसी घूंघट को पकड़ा और फिर ऊपर वाले पार्ट को हल्का सा उठाती गई पीछे की तरफ। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? कैसे किया, ऐसे करके मैंने अपना घूंघट विड्रॉ किया, मैं सॉरी ड्रॉ किया, घूंघट खींचा इधर तक लाई, फिर ये इधर मैंने ऊपर ऐसे को पकड़ा और यहां से अपना घूंघट पीछे की तरफ खींच दिया। तो गर्ल को दिखाते टाइम हम इस तरह से करेंगे, हम करेंगे 1 2 3 4। आ रहा है समझ में? एक और बार करें, कैसे किया, 1 2 3 4। ओके, तो पैर कैसे आएगा? तत ता सो राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। दोबारा से बताती हूँ कैसे जाएगा, तत ता सो राइट राइट, तत ता थई थई तत। आ रहा है समझ में? एक और बार करेंगे, कैसे किया, तत ता थई थई तत। अब इसे मिलाते हैं अपने हैंड के घूंघट के साथ, तो कैसे गया, तत ता थई थई तत। आ रहा है समझ में? एक और बार करेंगे, कैसे, तत ता थई तत। आ रहा है बच्चों? तो जब ये स्पीड में जाएगा तब ये जाएगा कि तत ता थई थई तत, और जब मैं तत करूंगी तो हल्का सा गर्दन का झटका भी जाएगा। तो लड़की ने क्या किया, अपना घूंघट ड्रॉ किया और थोड़ा सा उसको पीछे करा देखने के लिए सामने। समझ में आ रही है? तो कैसे गया कि तत ता थई थई तत। ऑल राइट, तो अब इसको करते हैं यहां तक कंटिन्यूएशन पे, ठीक है, पलटे के साथ करेंगे। चलो 1 2 3 स्टार्ट। अब राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। दोबारा करो, आ रहा है समझ में? दोबारा से करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। ओके, समझ में आया बच्चों? तो जब अब इसको थोड़ा सा स्पीड में करते हैं, ठीक है, करें इसे 1 2 3 स्टार्ट। दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन तिन ता दा दिन दिन दा दा तिन ता कि तत ता थई थई तत आ थई थई कि तत ता थई थई तत। ठीक है, यहां तक आए कि तत ता थई थई तत आ गए। अब जो गर्ल है वो 4 स्टेप्स पीछे जा रही है, सो अभी मेरा लेफ्ट पैर पीछे है, तो पहले राइट को लेके जाऊंगी कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई। उसने क्या देखा, साइड में उसका खाली मटका पड़ा हुआ है जो अभी उसको भरने के लिए जाना है। ओके, तो वापस आते हैं
ये खत्म किया था, अब राइट पैर पीछे जाएगा। ऑल राइट, सो कितत ता थई, कितत आ थई, कितत ता थई, कितत आ थई, मटका। देख लिया, सबको मटका दिख गया अपना अपना। ओके, तो अब क्या करेंगे, मटका उठाएंगे। मटका कैसे होता है, मटके के ऊपर एक होता है, उसके बाद नीचे होता है, करेक्ट। तो उससे ऊपर वाले से मटका पकड़ेंगे मुट्ठी बनाकर, मुष्ठी, और दूसरे हाथ से मटके को पकड़ने के लिए सपोर्ट देंगे। सो तत ता थई थई तत आ थई थई तत, आया समझ में? खाली मटका है। तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत, 2-8 में आया समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जब भी घर से बाहर जाते तो कुंडी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? ताला तो लगाना पड़ता है ना। तो अब वो अपने घर से पानी भरने के लिए जा रही है, तो वो भी तो दरवाजा बंद करेगी, करेक्ट। तो क्या किया, ता थई थई तत आ थई थई तत, ता थई थई तत आ थई थई तत। दरवाजा पहले कैसे होता था, दो दरवाजे हैं, उनमें एक कॉमन चेन है, और फिर चेन को ऊपर के एक एक हुक से टांग देते थे, तो वो एक टेम्पररी ताला हो जाता था। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले ये उठाया, तत ता थई थई तत आ थई तत, ता थई तत आ थई तत, ता थई तत आ थई तत, ता थई तत आ थई तत, आ गया समझ में? तो अब करते हैं शुरू से लेकर यहां तक, मतलब पहले लिया पलटा, फिर दिखाई लड़की, फिर लड़की चार बार पीछे गई, फिर उसने अपना मटका उठाया और अपने घर का दरवाजा बंद करा। यहाँ सीरीज समझ में आई, सीरीज ऑफ इवेंट्स। चलो एक बार फिर से मैम्स के साथ इतना तक करेंगे। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। दा दिन दिन दा, दा दिन दिन दा, दा दिन दिन ता, दिन दिन दा, दा दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ता, कि तत ता थई थई तत आ थई थई, कि तत ता थई थई तत, पीछे ता थई कि तत आ थई, कि तत ता थई कि तत आ थई, कि तत ता थई थई तत आ थई थई तत, ता थई तत दरवाजा, ता थई आ थई तत, ता थई तत आ थई तत, आया समझ में? ठीक है, अब हमने दिखा दिया कि उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया है, लॉक लगा दिया। अब जब भी हम दिखाते हैं लड़की को जाते हुए, तो एक सर्कल लेंगे, और सर्कल कैसे लेंगे, पैर पहले करेंगे, ठीक है। पैर 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 कैसे जाएगा, तत ता थई थई तत आ थई थई तत। सो कैसे गया, किक राइट लेफ्ट, राइट किक लेफ्ट, राइट लेफ्ट, अंडरस्टूड? एक और बार, 1 2 3 किक राइट लेफ्ट, राइट किक लेफ्ट, राइट लेफ्ट। किक का मतलब क्या होता है, ठोकर, ठीक है। पैर कई बार होता है ना, किसी को गुस्से में हम मार देते हैं, तो यहां पर हम इसको क्रिएटिवली यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो द किक इज नाइस, ब्यूटिफुल एंड क्रिएटिव, सो इट इज परमिटेड, नॉट अदरवाइज। ओके, तो कैसे किया, तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता, आ रहा समझ में? तो मटका पकड़कर लेंगे एक सर्कल, यही पैर करते हुए, कैसे, 1 2 3
तत ता थई थई तत आ थई थई किक राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट किक। आया समझ में? इसका मतलब है कि वो रस्ते रस्ते जा रही है, लंबा रास्ता उसके घर से। तो अगर मैं यहीं से चली जाऊंगी तो किसी को क्या पता चलेगा कि मैं कहाँ गई। तो इसीलिए स्टेज में हम जब सर्कल काटते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर रही है पैदल चल के। ठीक है, तो कैसे किया? 1 2 3 तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई। अब रस्ते रस्ते जाती जा रही है, आ थई थई तत। समझ आ गया? ये क्या किया मैंने? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो रस्ते रस्ते गलियों से निकलती हुई जाती जा रही है और पहुंच जाती है वो कहां पर? नदिया के किनारे। तो जब हमने ऐसे किया ना, एक छोटा सा सर्कल फिर से ले लेंगे और अब हम पहुंच गए नदिया के किनारे। समझ आ गया? तो अब पानी पर पहुंच जाते हैं, तो अब पहले पानी दिखाएंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस को तो नहीं पता हम कहां पहुंचे हैं। तो हम दिखाएंगे ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत। ठीक है, ऑलराइट। अब मैंने मटका नीचे रख दिया, ओके? तो अब हम जा रहे हैं पानी के अंदर। तो हमने यहां पर मटका रख दिया नीचे और अब हमने पहले दिखा दिया था हम पानी के अंदर पहुंच गए हैं। अब पानी के अंदर जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, हल्का सा अपना जो मैंने घाघरा या लहंगा या जो भी मैंने जो एक लॉन्ग स्कर्ट अपनी साड़ी भी हो सकती है वो पहनी है, तो पहले मैं उसको ऊपर से हल्का सा उठा लूंगी क्योंकि पानी के अंदर जाना है। सो कितत आ थई, पानी के अंदर जा रही हूँ, कितत आ थई पानी के अंदर जा रहे हैं। पानी, जब भी आप किसी चीज के बगैर जाते हो पानी में तो सीधा ऐसे करके तो नहीं जाएंगे ना, जो भी कपड़ा पहना होता उसको उठाते हैं ना हल्का सा, है ना, नेचुरली वही चीज कर रहे हैं। सो कैसे किया? पानी के अंदर जा रहे हैं, चलो सबको पानी दिखाई दे रहा है अब। यस, दैट्स द पावर एंड मैजिक ऑफ डांस। ऑलराइट, देयर इज नथिंग, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो पॉट, आई एम नॉट वेयरिंग अ वेल, बट सब कुछ हमको दिख रहा है क्योंकि हमने एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया अपने आसपास और उस वर्ल्ड को हम सबको दिखा रहे हैं। ऑलराइट, सो तो हमने किया, अभी हम पानी के अंदर जा रहे हैं। तो कैसे किया? 1 2 3 स्टार्ट। तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई। ठीक है, पानी के अंदर बाहर जाते जा रहे हैं। ऑलराइट, अब चिल्ड्रन अप्रोक्सीमेटली ये है कि मेरा, मैं यहाँ पर पानी तक पहुंच गई, पानी मेरे तकरीबन वेस्ट लाइन तक है, ऐसा है। और जो मटका है वो भी अप्रोचेबल डिस्टेंस पर ही है, बहुत दूर नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ, क्योंकि हमें अब अपने अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हम हालांकि खड़े होके भी कर सकते हैं, बट बेटर रहता है कि अगर हम बैठ के करते हैं। तो जैसे मैं अंदर गई ना, तो अब मैं बैठ जाऊंगी इस तरह से। ठीक है, यस, आई एम सिटिंग लाइक दिस, ओके। तो अब क्या हुआ, अब जब पानी, मतलब ये पानी के अंदर मैं आ गई, तो पानी से पहले मैंने अपने हाथ धोए। सो ता थई कि तत आ थई, ता थई कि तत आ थई। क्या किया? पानी से हाथ धो रही हूं। ठीक है, फिर पानी को, वाटर को स्प्लैश किया मुंह के ऊपर। समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो कैसे किया? मैं बैठी कैसी हूँ बच्चों? कैन यू सी? आई एम सिटिंग लाइक दिस, वेट, आई एम सिटिंग ऑन माई टो, राइट टो, ओके। सो ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई, ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई। बहुत शीतल और ठंडा जल है, ओके। अभी तो खैर बहुत ठंडी है, लेकिन गर्मियों में शीतल जल तो अच्छा लगता है ना। तो कैसे किया? ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई कि तत आ थई कि तत ता थई
कि तत आ थे। अब मैंने क्या किया, मुंह धोया। मुंह धोने के बाद मैं वाटर जो है स्प्लैश करूंगी अपने बालों के ऊपर, और अपने बाल इस तरह से लाकर थोड़ा सा उसमें हल्का सा उसकी उलझने निकालते हुए थोड़ा सा पानी अपने बालों पे डाला, और पानी बालों को भी गीला कर लिया। आ रहा है समझ में? चलो दोबारा से करें इसको शुरू से लेकर यहाँ तक, ठीक है बच्चों? 1 2 3 स्टार्ट। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन तिन ता, तक दिन दिन धा, धा दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना दिन तिन ता, कि तत ता थई थई, तत आ थई थई, ग ता थई थई, तत कि तत ता थई, कि तत आ थई, कि तत ता थई, कि तत आ थई, कि तत ता थई थई, तत आ थई थई, तत ता थई थई, तत दरवाजा थई, तत आ थई थई, ता थई, तत आ थई थई, तत ता थई, सकल थई, कि तत ता थई, कि तत आ थई, कि तत ता थई, कि तत आ थई, कि तत ता थई, कि तत आ थई, कहाँ पहुंची? ता थई थई, तत आ थई, दो बार पानी, ता थई थई, तत आ थई थई, तत ता थई थई, तत साइड में मटका रखा, तत ता थई, कि तत आ थई, कि तत ता थई, कि तत आ थई, कि तत ता थई, पानी के अंदर बैठ रही आराम से, मतलब पानी इधर है, ठीक है? चलो, ता थई थई, तत आ थई थई, ता थई थई, तत ता थई थई, तत आ थई थई, तत ता थई थई, तत आ थई, मुंह ता थई थई, तत अब बालों पर, ता थई थई, तत आ थई थई, 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 तत ता। तो क्या किया, बाल हाथ धोए, मुंह धोया, बाल धोए और बालों को पीछे झटक कर कर दिया। आ गया, हो गया? यस। सो वी, तो जो गर्ल्स होते थे वो पानी में भरने जाते थे, वहीं पर उनका फ्रेशिंग अप होता था। ऑलराइट, ओके। सो ऑलराइट, यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों? ऑलराइट, ओके चिल्ड्रन, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।